सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, मुझे काफी सारे कमेंट आ रहे थे भाई गेम प्ले की वीडियो डालो। सो गाइस, गेम प्ले का वीडियो आ चुका है। पहला गेम प्ले का वीडियो है, वो भी हैकर के साथ में, वन वर्सेस वन कस्टम। सो गाइस, इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो भाई आगे भी गेम प्ले की वीडियो आएंगे। अगर इस पे 100 से भी कम व्यू आए तो भाई आगे मैं गेम प्ले की वीडियो नहीं डालने वाला, ठीक है दोस्तों। और लाइक भी भाई 50 से ऊपर कर देना भाई, आप लाइक करना भूल जाते हो। सो गाइस, हैकर में तो पावर होती है ऑटो हेड, यानी कि अपने आप सामने वाले पर हेड लग जाता है। सो गाइस, कस्टम बनाते वक्त मैंने वो एम प्रीसाइज वाला एक ऑप्शन होता है उसको मैंने ऑफ कर दिया, मतलब कि भाई कितना भी निशाना लगा लो आपका निशाना लगने वाला नहीं है बंदों के ऊपर। सो गाइस, हैकर की बैंड बजने वाली इस बात तो समझो। तो हैकर भी भाई हमको हेड नहीं मार पाएगा क्योंकि हमने वो ऑप्शन ही ऑफ कर दिया, हमारा भी निशाना नहीं लगेगा। शॉटगन भी भाई मतलब कि एक्यूरेसी भाई जीरो हो जाएगी सारी गन्स की, किसी का निशाना नहीं लगेगा। सो गाइस, अभी आप देखोगे हैकर सामने से अभी ग्लूवल के अंदर से निकल के आ गया। वैसे पहला राउंड तो मैं जीत गया था और वीडियो मैंने दूसरे राउंड में चालू किया था, ठीक है दोस्तों। अभी दूसरे राउंड से आप एंजॉय कीजिए, गेम प्ले को काफी ओपी है और साथ में मैं कमेंट्री करता रहूंगा नॉन स्टॉप, बिना रुक के बिना थके आपको पकाता रहूंगा। सो गाइस, अभी आप देखोगे भाई हैकर के साथ में मेरे नूब अकाउंट में खेल रहा हूँ क्योंकि भाई ओरिजिनल अकाउंट से खेलता हूँ तो मेरा भी डिवाइस या फिर मेरी रैंक माइनस हो सकती थी या फिर मेरे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। सो गाइस, हैकर के साथ बिल्कुल भी मत खेलो। सो गाइस, आप देख सकते हो तो ग्लू के अंदर गया, ग्लू के अंदर वापस निकला, भाई यही चल रहा है इसका देखो। बट दोनों का ही निशाना नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ही ऑफ कर दिया। अगर वो निशाना ऑन होता तो भाई मैं एक सेकंड भी इसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि वो भाई सीधे हेड पे एम लगता है और हैकर तुरंत मार देता है। और हैकर की स्पीड भी मुझसे थोड़ी ज़्यादा है और अभी हमने कैरेक्टर स्किल भी ऑफ कर रखी है, नहीं तो भाई और ज़्यादा खतरनाक हो जाता गेम प्ले। सो गाइस, इसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है, मेरी थोड़ी कम है और साथ ही इसको डैमेज पड़ चुका है, इसने अपने आप को ग्लू से कवर कर लिया है। बट दोस्तों, ये कभी भी ग्लू से बाहर आ सकता है, इसलिए थोड़े थोड़े मूवमेंट करते रहो। सो गाइस, हैकर का टाटा बाय बाय कर। सो गाइस, अभी हमारा दूसरा राउंड चालू हो चुका है और पता नहीं मैंने फार्मास किस लिए खरीद ली। मेरे को तो लगा था भाई फार्मास से 2 मिनट में उसको पेल दूंगा, बट दोस्तों गेम वापस मतलब फाइटिंग में जाने के बाद मुझे याद आया भाई एम तो लगता ही नहीं, फार्मास काम की क्या है। फिर भी भाई मैं फार्मास लेके वहाँ पर चला गया, अभी देखते क्या होता है। सो गाइस, हम यहाँ से चलते हैं, सामने से चलते हैं भाई, छुप छुप के नहीं खेलते हम। सो गाइस, शेर हमेशा सामने से आता है, बट दोस्तों हम दोनों ही सामने से आ रहे हैं तो मतलब शेर कौन है, शेर मैं हूँ या वो है? सो गाइस, दोनों शेर है भाई। इस गेम में तो डेजल्टी चलाना मतलब कि एकदम फालतू वाला काम है। सो गाइस, डेजल्टी मैंने बस ऐसे ही खरीद ली थी भाई, फार्मा चलाने का मतलब ही नहीं है भाई, एम ही नहीं लगता बिल्कुल भी क्योंकि भाई कोई भी गन का एम नहीं लगेगा, हमने सबको ऑफ रखा है तो शॉर्ट गन चलाते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा 88 का हेड लगाए। सो गाइस, अभी हैकर सामने से रश करेगा मुझे पता है। सो गाइस, ग्लू के आर पार निकल गया भाई, उसका तो फुल फायदा है भाई। ग्लू ग्लू हटा दे भाई, अभी हम करते हैं मेड गेट यहाँ पर छुप कर भाई, ये सामने से जरूर भाग के आएगा भाई, इसको लगेगा भाई हैकर। भाई मैं भाई कितनी बार बोल लेता हूँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे 8 मिनट 9 मिनट तक कमेंट्री करना यानी कि बोलना वीडियो के अंदर बहुत मुश्किल काम है, बट दोस्तों आप सभी को पकाने के लिए मज़ा आता है, आप सभी को पकाने के लिए मैं 1 घंटा 2 घंटे आराम से बोलूँगा। सो गाइस, अभी देखते हैं कौन मैच जीतने वाला। सो गाइस, मैं गया लगता है, अरे हेड लगा यार उसको फार्मर्स का, बट मैं गया। सो गाइस, हैकर की यूआईडी आप देख सकते हो, हैकर की आईडी बाद में मैंने बैन करवाई, उसका सबूत भी मैं वीडियो के आखिर में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो का आखिर तक देखना आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है वीडियो। सो गाइस, अभी हम कौन सी गन लेते हैं? सो गाइस, अभी हम नई वाली गन लेते हैं मैक 10 और देखते हैं मैक 10 में कितनी पावर है। अभी गाइस देखते हैं हम गेम पे लग के अंदर चल के। सो गाइस, हैकर अभी हमारे ख्याल से शॉटगन ही लेके आएगा क्योंकि उसकी तो फेवरेट होती है शॉटगन। भाई मैं तोतला बोलने लग गया, ये क्या हो रहा है? चलो कुछ भी हो रहा हो, अभी हमें क्या है, अपने तो बस गेम जीतना है। सो गाइस, अभी हम चलते हैं उस साइड और देखते हैं भाई हैकर किधर है, भाई हैकर किधर है। सो गाइस, हैकर उस साइड है और सो गाइस, मेरे ख्याल से हैकर में और भी पावर है बट इसने थोड़ा नूब हैकर है भाई, वहाँ कहाँ से पहुँच गया इतनी जल्दी। सो गाइस, चलो पहुँच गया होगा, हैक लगा के पहुँचाओ कैसे भी पहुँचाओ। सो गाइस, हो भाई हेड मार दिया मेरे को, चलो इसके पास इमोट नहीं है नूबड़े के पास। सो गाइस, इसकी आईडी अभी मैंने चीट कर दी है, जल्दी से आईडी चीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गिराना को पता चल सके इसकी आईडी बैन करनी है। और दोस्तों, हैक का एक और नुकसान है, इसमें आईडी बैन नहीं होती, इसमें आपका डिवाइस भी बैन हो सकता है। सो अगर डिवाइस बैन होने पर कैसे डिवाइस को ठीक करते हैं वो आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको, बट आप हैक ट्राई मत करना नहीं तो भाई मैं डिवाइस सही करना नहीं सिखाने वाला आपको, ठीक है। सो अगर डिवाइस बैन हो जाता है तो आप फ्री फायर उसमें खेल ही नहीं सकते, आपकी आईडी और नूब अकाउंट हो कोई भी आईडी ही चालू नहीं होगी, फ्री फायर पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अभी मैं डबल वेक्टर लेके आ गया, वो भी विदाउट ग्लू। अभी दोस्तों मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी बिना ग्लू के मैं घूम रहा हूँ भाई, बंदा सामने आ जा भाई, क्या ही ग्लू के अंदर से निकल के आ रहा है भूत की तरह भाई, राक्षस है ये तो, भूत कहीं का।
राक्षस। अरे यार मैं गया लगता है, क्योंकि ग्लू भी नहीं है मेरे पास भाई, क्या ही कर रहा हूँ मैं भाई। वेक्टर भाई एकदम गंदी गन है, कभी भी वेक्टर मत लेना, क्योंकि देखो 6-6, 8-8 का डैमेज भाई, मैं क्या ही उखाड़ लूँगा हैकर को मार के। इतना छोटा छोटा डैमेज दे रहा है 6-6, 8-8 का भाई, मेरे को नहीं चलानी वेक्टर। इससे अच्छा यूएसपी मार लूँगा यार, 20-20 का डैमेज तो देती है यूएसपी। अभी गाइस मेड किट कर लेते जल्दी से और देखते क्या होता है। सो गाइस हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से जंप, भाई वो निकल गया उस साइड। भाई यार ये ग्लू के आर पार यूँ निकलता है जैसे कुछ ग्लू है ही नहीं इधर। सो गाइस मैं आपको हैक करना भी सिखाने वाला था, बट मैंने फिर बाद में डिसीजन बदल दिया। मैं नहीं चाहता किसी का अकाउंट किसी की डिवाइस बैन हो, इसलिए मैंने वो हैक वाली स्क्रिप्ट और सारी मतलब कैंसिल कर दी। बट उसको मैंने संभाल के तो रख रखा है, बट मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी हम यहाँ से चलते भाई, छुपते हैं और यहाँ से भाई भाई वो क्या ही छुप रहा है इधर उधर से। सो गाइस इसने मुझे दोबारा से मार दिया है। अभी गाइस पता क्या होगा, ये अपने गेम को बैक कर लेगा। पहले हम इस वाले मैच में देख लेते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से इसी मैच में वो अपने गेम को बैक कर लेगा। अभी हम लेंगे AWM, शायद AWM। हाँ गाइज अभी मैं AWM लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गेम खेला था मुझे याद है, और वॉइस में अभी लगा रहा हूँ, बट गेम प्ले मैंने पहले कर लिया था। अभी गाइज हैकर ने गेम प्ले को बैक कर लिया है। अभी दोस्तों इसको मारने का कोई फायदा नहीं है, अभी मैं वीडियो का आखिर में आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। 1 hour later। सो गाइस हैकर ने गेम प्ले बैक कर दिया था, क्यों बैक किया मुझे नहीं पता, शायद वो बोर हो गया था भाई, निशाना ही नहीं लग रहा, क्योंकि भाई हैकरों के भी निशाना ना लगाए तो उसके लिए भाई बड़ी शर्म की बात थी। और गाइस हम भी भाई यूट्यूबर है, हम भी ऐसे वैसे गेम नहीं खेलने वाले। मैंने उसको ऑफ कर दिया था और वो उसका निशाना ही ना लगे, भली मेरा ना लगे बट उसका भी ना लगे। सो गाइस गेम पूरा मेरे हाथ में, लास्ट गेम है, भली ये बोट हो बट मैं इसको मार सकता हूँ। सो गाइस बोट को AWM से मारना भाई बड़ी शर्म की बात है, इसलिए भाई हम इसको USP से वन टैप मारेंगे। सो गाइस हमारी USP गन रेडी है, अभी हम लगाते हैं USP। सो गाइस यहाँ से हम करते हैं भाई USP को स्विच, और यहाँ पर भाई एम लेते हैं और यहाँ से करते हैकर को वन टैप, यो भी USP से अल्ट्रा लेजेंड प्रो। और गाइस हैकर की आईडी हमने रिपोर्ट की थी, हैकर की आईडी बंद हो गई, और फ्री फायर ने हमको बोला थैंक यू, हम इसको पनिशमेंट देंगे और इसका डिवाइस या कुछ भी बैन कर देंगे। डिवाइस या आईडी बैन करने से तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डिवाइस बैन करने से उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। सो गाइस आप कभी भी हैक मत लगाना, वरना आप भी USP से वन टैप खाओगे, जैसे आपको आपने देखा था अभी मैं लास्ट बार कैसे मारा था USP से वन टैप। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। थैंक यू।